Grant, born in June 1929. 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और लगभग 16 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ 1945 में बर्जन-बेल्सेन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जर्मनी में इनका देहांत हुआ था। वीडियो टू है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, संडे जून 14, 1942 की बात है। Sunday, June 14, 1942. I'll begin from the moment. Text शुरू हो चुकी है नावल की, first person में लिख रही हैं। I'll begin from the moment I got you. Diary इन्हें gift में मिली थी जन्मदिन पे, तो कह रही है कि I will begin from the moment I got you. जिस वक्त आप मुझे मिली डायरी, तो मैं वहीं से शुरू करूंगी, उसी पल से शुरू करूंगी, मोमेंट से शुरू करूंगी, पल से। द मोमेंट आई सॉ यू लाइंग ऑन द टेबल अमंग माय अदर बर्थडे प्रेजेंट्स, जिस वक्त, जिस पल मैंने तुम्हें मेज पर दूसरी गिफ्ट्स के साथ पाया। लाइंग, मेज पे पड़ी हुई थी और भी गिफ्ट्स, तो उन गिफ्ट्स में डायरी को भी पाया, तो तभी उसी पल से मैं लिखना शुरू करूंगी। I went along when you were bought, but that doesn't count. कहती है कि हालांकि मैं गई थी पेरेंट्स के साथ जब तुम्हें खरीदा गया दुकान से, तो तब भी मैं वहीं थी, परंतु उसका कोई महत्व नहीं है, परंतु मैं शुरू अभी से करूंगी। On Friday, June 12, अब जून 12 को लिख रही हैं। I was awake at 6 o'clock. 6 बजे मैं जाग गई थी। विच isn't surprising, वो हैरानी वाली बात नहीं है, since it was my birthday, क्योंकि मेरा जन्मदिन था उस दिन। But I am not allowed to get up at that hour, परंतु मुझे उस समय उठने की इजाज़त नहीं है, आज्ञा नहीं है, 6 बजे सुबह। So I had to control my curiosity until 6:45. 7:15 बजे उठने की अनुमति है, आज्ञा है, इजाज़त है, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ा अपने आप पर, अपनी जिज्ञासा पे, क्यूरियोसिटी पे, राइट, जब तक 7:15 ना हो गए हों। वेल आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर, जब मैं और अधिक इंतज़ार नहीं कर पाई, आई वेंट टू द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में गई, वेयर मोर्टज़, ये बिल्ली का नाम है, welcomed me by rubbing against my legs, जैसे बिल्ली प्यार करती है, टांगों के बीच में आ जाती है और अपनी पूंछ खड़ी करके और purring जो आवाज़ निकलती है उसकी प्यार करती है, तो बिल्ली ने स्वागत किया। A little after 7 से थोड़े देर बाद, 7 बजे से थोड़ी देर बाद, I went to daddy and mama and then to the living room to open my presents. पहले डैडी और मामा के पास गई, फिर लिविंग रूम में गई जहाँ पे प्रेजेंट्स पड़ी थी, उपहार पड़े थे, गिफ्ट्स पड़ी थी। एंड यू आर द फर्स्ट थिंग आई सॉ, और डायरी को कहती हैं कि आप पहली चीज़ थी जिसकी तरफ मेरी निगाह गई, जो मैंने देखी, मे बी वन ऑफ माई नाइसेस्ट प्रेजेंट्स, और मेरी अच्छी प्रेजेंट्स में से आप एक हो सकती हैं। Then a bouquet of roses, फिर बुके दिखाई दिए, सम पियोनीस, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंड अ पॉटेड प्लांट, एक पॉट में जो फ्लावर पॉट में प्लांट था वो दिखाई दिया। फ्रॉम डैडी एंड मामा आई गॉट ए ब्लू ब्लाउज, और डैडी और मामा ने इसके लिए ब्लू ब्लाउज खरीदा, गेम खरीदा, एक बॉटल ऑफ ग्रेप जूस ये खरीदी, ये उपहार में दिए, मतलब खरीद के लाए थे, उपहार में दिए। Which to my mind tastes a bit like wine, जो ग्रेप जूस है वो इसको एनी को वाइन का टेस्ट देता है। फिर वह लिखती है ब्रैकेट में, आफ्टर ऑल वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, आखिरकार ग्रेप्स से ही तो बनती है वाइन। अ पजल, एक पजल थी, पजल भी थी उसके लिए, गेम होता है, ए जार ऑफ कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम का जार था, 2.50 गिल्डर्स, ये कैश थी, ये यूनिट होता है गिल्डर, ए गोल्ड और सिल्वर कॉइन फॉर्मली यूज्ड इन नीदरलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता था,
ये एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने, एंड ए गिफ्ट सर्टिफिकेट फॉर टू बुक्स, दो पुस्तकों के लिए गिफ्ट सर्टिफिकेट था। आई गॉट अनदर बुक एज वेल, एक और पुस्तक उसको मिली, और कैमरा ऑब्सक्योरा ये कैमरा मिला, नाम है कंपनी का, बट मार्गोट ऑलरेडी हैज इट, मार्गोट के पास ये पहले से ही है, सो आई एक्सचेंज माइन फॉर समथिंग एल्स, मैंने उसे किसी और चीज़ के लिए बदल लिया। अब लेटर ऑफ होम मेड कुकीज़ और खाने की बहुत सी चीज़ें थी जो घर में बनाई गई थी, कुकीज़ विच आई मेड माई सेल्फ ऑफ कोर्स, और स्वयं इसने भी बनाई थी कुछ। सिंस आई हैव बिकम क्वाइट एन एक्सपर्ट एट बेकिंग कुकीज़, क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट बन गई थी कुछ कुकीज़ बेक करने में, लॉट्स ऑफ कैंडी थी एंड स्ट्रॉबेरी टार्ट, ये पेस्ट्री टाइप होती है, टार्ट पाई होती है फ्रॉम मदर, ये मदर ने बनाई थी, एंड ए लेटर फ्रॉम ग्रैमी, ग्रैमी से एक लेटर भी था उसके पास, ग्रैमी रिकॉर्डिंग कंपनी यूएस की मशहूर, और राइट ऑन टाइम, बिल्कुल वक्त पे, बट ऑफ कोर्स दैट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस, शायद वो एक कोइंसिडेंस थी, जन्मदिन पे ही वो लेटर मिला ऐसे ग्रैमी से। देन हनेली केम टू पिक मी अप एंड वी वेंट टू स्कूल, फिर हनेली, ये तस्वीर देख रहे हैं तो बाद की तस्वीर है, उसे स्कूल में ले जाने के लिए आ गई। ड्यूरिंग रिसेस के टाइम स्कूल में आई पास आउट कुकीज टू माई टीचर्स एंड माई क्लास, तो क्लास को भी और अपने टीचर्स को भी कुकीज पास ऑन की उनको देने के लिए, एंड देन इट वॉज टाइम टू गेट बैक टू वर्क, और फिर काम करने का वक्त आ गया। आई डिड नॉट अराइव होम अंटिल 5, शाम के 5 बजे तक घर नहीं पहुंची। सिंस आई वेंट टू जिम विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि उसे जिम गई वो बाकी क्लास के साथ, जो दूसरे बच्चे थे क्लास के उनके साथ गई। आई एम नॉट अलाउड टू टेक पार्ट बिकॉज माई शोल्डर्स एंड हिप्स टेंड टू गेट डिसलोकेटेड, जिम में हिस्सा लेने के लिए इसको अनुमति नहीं है क्योंकि इसके हिप्स और ये शोल्डर्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं। एज इट वॉज माई बर्थडे, क्योंकि बर्थडे था, आई गोट टू डिसाइड विच गेम माई क्लासमेट्स वुड प्ले, तो इसे ही निर्णय करना था कि कौन सा गेम क्लास खेलेगी, एंड आई चोज वॉलीबॉल। ये जन्मदिन को मनाने के लिए ही 5 बजे तक नहीं आई, और वॉलीबॉल सेलेक्ट किया लेखिका ने, एनी ने। आफ्टरवर्ड दे ऑल डांस अराउंड मी इन ए सर्कल, फिर सभी बच्चों ने, सभी लड़कियों ने एक सर्कल बना लिया, इसके चारों तरफ इसके इर्द गिर्द खेलने लगी, एंड सैंग हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। व्हेन आई गोट होम, जब ये घर आई, सैने लेडरमैन, लेडरमैन ये सैने लेडरमैन ये है, वाज ऑलरेडी देयर, ये पहले से ही आ गई थी। आइल्स वैगनर ये हैं, हनेली गोल्सर ये हैं थर्ड, और जैकलिन वैन मार्सन वो ये हैं, जैकुलिन मार्सन, यस ये है। तो होम विद मी, ये सारी चारों लड़कियां इसकी फ्रेंड थी, ये इसके साथ आई जिम के बाद। सिंस वी आर इन द सेम क्लास, ये एक ही कक्षा में पढ़ती। हनेली एंड सैने यूज टू बी माई टू बेस्ट फ्रेंड, हनेली और सैने ये इसकी फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी। प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, और तो जर्मन भाषा में कोई और प्रोनंसिएशन हो सकती है, हम इसे सहने बोल रहे हैं। पीपल हु सॉ अस टुगेदर यूज्ड टू से, जो लोग इन्हें इकट्ठे देखते थे, दोनों तीनों लड़कियों को, वो कहते थे देयर गोज एनी, सैनी बोलते हैं, चलो इसे एनी, हैनी एंड सैनी, रिदम होगी, एनी हैनी और सैनी आर कमिंग टुगेदर। आई ओनली मेट जैकुलिन वैन मार्सन व्हेन आई स्टार्टेड एट द ज्यूस लाइसियम, ज्यूस लाइसियम ये स्कूल का नाम है, जब इन्होंने शुरू किया, आरंभ किया थी, की थी अपनी पढ़ाई, तो ये इनसे मुलाकात हुई थी जैकुलिन
जैकलिन से एंड नाउ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कहती हैं एनी कि अब वो मेरी पर मित्र है। आयल्स इज हनेली इज़ बेस्ट फ्रेंड, आयल्स हनेली की बेस्ट फ्रेंड है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं दिस वन, और ये हनेली की मित्र है। एंड सैनी गोज टू अनदर स्कूल, सैनी दूसरे स्कूल में जाती है एंड हैज फ्रेंड्स देयर, वहाँ भी उस वहाँ उसके मित्र हैं। दे गेव मी ए ब्यूटिफुल बुक, इन्होंने मुझे एक सुंदर पुस्तक दी, डस सासस एंड लेसन्स, बट दे गेव मी वॉल्यूम टू बाई मिस्टेक, गलती से वॉल्यूम टू दे दिया, सो आई एक्सचेंज टू अदर बुक्स फॉर वॉल्यूम वन, वॉल्यूम वन के लिए दो पुस्तकें और एक्सचेंज करवाई। आंट हेलन ब्रॉट मी ए पजल, आंट हेलन पजल लेके आई इनके लिए, आंट स्टेफनी ए डार्लिंग ब्रॉच लाई एंड आंट लेनी ए टेरिफिक बुक, एक बहुत प्यारी पुस्तक लेके आई, डेजी गोज टू द माउंटेन्स, इस पुस्तक को लेके आई। दिस मॉर्निंग आई ले इन द बाथटब थिंकिंग हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ आई हैड ए डॉग लाइक रिन टिन टिन, बाथटब में पड़े पड़े लेटे लेटे जैसे स्नान करने के लिए लेटी हुई थी तो सोचे जा रही है कि अगर उसके पास एक कुत्ता हो, डॉग हो जिसका नाम रिन टिन टिन हो, आई वुड कॉल हिम रिन टिन टिन टू एंड आई वुड टेक हिम टू स्कूल विद मी, और मैं उसे अपने साथ स्कूल में भी ले जाऊंगी। वेयर ही कुड स्टे इन द जेनिटर्स रूम, और उसे जेनिटर के कमरे में छोड़ दूंगी, जेनिटर वॉचमैन होता है, बाय द बाइसिकल रैक्स या फिर बाइसिकल रैक्स के पास, व्हेन द वेदर वाज गुड, जब मौसम अच्छा हो। तो ये वीडियो लेक्चर 2 समाप्त हो जाती है, थर्ड वीडियो लेक्चर लेके मैं शीघ्र आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।